अज आप जो टॉपिक कर लगे हैं रिफ्रैक्शन का नैक्सट टॉपिक ये जो टॉपिक आप कर लगे इन बड़े ध्यान समझना कारण की है बी अपना सिलेबस के एक मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल आ लेंस मेकरस फॉर्मूला। लेंस मेकरस फॉर्मूला तो समझ लगना जेकर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फिस वाला जो अज वाला टॉपिक आ ये आप चंगी तरह समझ लाँगे ये की अजम्पशन रखनिया ने किड़िया कार्टिशन साइन कन्वेंशन आ मोस्टली वो ही ने पुरानिया किड़िया ट्रैंगल्स के एंगल कि कंपेयर करने कि बराबर रखने वो सारिया चीज़ा जे तुम इस लैक्चर वाली चंकी तरह समझ लो फिर लेंस मेकरस फार्मूला चुटकिया मार के सॉल्व होगा विद इन 5 मिनट्स। बहुत सौखा देखने बहुत औखा लगना है पहला पर है बहुत सौखा। हुण तक आप जी रिफ्रैक्शन पढ़ी है वो आप पढ़िया भी जो रिफ्रैक्शन होंगी सी किसी सरफेस से वो सरफेस फ्लैट होंगी सी। रीफ्रैक्शन की गल कर रहे हैं सिर्फ रिफ्लैक्शन नहीं रिफ्लैक्शन तो आप मिरर्स पढ़ी है वो कर्व्ड भी सी बट रीफ्रैक्शन आप पढ़ी है स्लैब के केस या प्रिजम के केस वो थोनू थोड़ी डेमो दिखाई सी ते पानी दे नाल दिखाई सी ऑल ऑफ दैम हैज सेम प्रॉपर्टी दे हैव फ्लैट सरफेस सीधिया सरफेस है बट हुण असीं जिहड़ी रिफ्रैक्शन पढ़न लगे हैं इट इज़ जस्ट लाइक जिवें तुसीं बच्चे छोटे होंदे बंटे खेलदे सी बंटे कंचे कच दियां छोटी छोटिया बॉल्स सॉलिड बॉल्स ओह बॉल्स दे थ्रू जेकर रिफ्रैक्शन हुंदी आ तां साडा इमेज कहे जा बणूगा वो असीं हुण अज दे लैक्चर च पढ़ांगे। हुण सपोज़ कर लईए साडे कोल इक ग्लास दी बॉल आ एडिक बॉल जिस तरह की मेरे को जिदा दी आ बॉल आता ओपेक दिसदा नहीं खेडन वाली है बट आप ज्यूम कर लेनी है एक ग्लास की बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉल। ग्लास की बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉल के उत्ते मैं सपोज कर लैंना भी इत्थे मेरे को कोई निक्का जिहा पॉइंट लग्या होया ब्लैक कलर का किसी होर कलर का तो उनू पॉइंट नू मैं दूजे पास्यों दी देखा तो मैनू कित्थे दिसूगा उहदा इमेज। हुण जिहड़ा पॉइंट उहदा बाहरले पासे बाहरले पासे इत्थे रेयर मीडियम आ ते अंदरले पासे उहदा इमेज कितें बणूगा डीप जाके इहदे विच उह किन्नी दूर बणूगा दूजा केस भी हो सकदा जेकर इही कच दी बॉल ट्रांसपेरेंट होवे ते उहदे विचकार अंदरले पासे कोई निक्का जिहा कोई डस्ट का पार्टीकल रह गया होवे जां कोई कलर्ड कोई आपां कह दईए भी कोई पॉइंट रह गया होवे ते उहदा इमेज असीं बाहरों देखिए बाहरले पासे बणूगा वह डेंसर मीडियम च होऊ इमेज कित्थे बणू रेयरर च तां उह किदां दा बणूगा। फिर ये सरफेस कनवैक्स भी हो सकती है जिवें आह वाला पासा ये सरफेस कनकेव भी हो सकती है। कनकेव किवें कनकेव इस तरीके नाल भी जेकर इत्थे एक क्यूबिकल ग्लास होवे ग्लास का क्यूब होवे ते उहदे विच बॉल की शक्ल वर्गी हवा रह जाए खाली तो वह अंदरले पासों की बन जू कनकेव बन जू। सो इदां दीआं सरफेसिस दे विच आपां रिफ्रैक्शन अज स्टडी करांगे। सब तो पहला सिंपलैसट केस लैने सिंपलैसट केस दे विच आपां कनवैक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़ांगे। सो हुण जिहड़ी सरफेस आ उह साडी किदां दी है रीफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। सपोज कर लीए भई साडे कोल जिहड़ी स्फेरिकल सरफेस आ इट इज़ जस्ट लाइक ए सॉलिड ग्लास बॉल जस्ट आई हैव ड्रान हेयर। सो इहदा साडे कोल सेंटर आ ते सेंटर आ जिहड़ा उहनू असीं ऑप्टिक्स दे विच की कहिंदे आ सेंटर ऑफ करवेचर ते सरफेस तो लैके कितों भी सेंटर तक जिहड़ा साडा रेडियस होगा दैट विल बी द रेडियस ऑफ करवेचर। क्लीयर हुण इह सर्कल नहीं गा ये दिमाग च रखना हमेशा इट इज़ ए सफीयर सफीयर। क्लीयर हुण किताबां दे विच आ शक्ल नहीं बनी हुई थोनू मिलनी किताबों के शक्ल की बनी हुई मिलनी है असी यदा एक छोटा जा पोर्शन सिलेक्ट कर लें इन्ना
ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਰਿਫਰੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਲੀਅਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਐਸੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦੀ ਪੋਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਸੋ ਲਾਈਕਵਾਈਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਦਾ ਪੋਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਕਲੀਅਰ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵੇਚਰ ਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਅਪਰਚਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੋਲ ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਕੱਚ ਦੇ ਬੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਕੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਨਿੱਕੀ ਆ ਹੁਣ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਓਬਜੈਕਟ ਆ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਰੇਅਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਓਬਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗਾ ਡੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਏ ਓਬਜੈਕਟ ਓ ਪੁਆਇੰਟ ਓਬਜੈਕਟ ਓ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਓਬਜੈਕਟ ਲਏ ਸੀ ਐਰੋ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਵੀ ਓਬਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਓਬਜੈਕਟ ਆ ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਓਬਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਓਬਜੈਕਟ ਆ ਦੂਜੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਇਹ 'ਚ ਬਣਨਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਓਬਜੈਕਟ ਬਣਾਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਮੇਜ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਂਗਲ ਬਣੇ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਦਾ ਦੀਜ਼ ਐਂਗਲਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸਮੋਲ ਸਮੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਟੈਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਦੋਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਐਂਗਲ ਇਟਸੈਲਫ ਕਲੀਅਰ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਓਬਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਉਹ ਓਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਆਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰੇਜ਼ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਰਫੇਸ ਆ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹਾਫ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਬਣਾਉਣਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੈਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਐਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਨ ਸਟੈਂਡਸ ਫੋਰ ਨੋਰਮਲ ਉਹ ਓਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਚਲੀ ਗਈ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਡਿਫਲੈਕਟਡ ਸਿੱਧੀ ਲੰਘ ਜੂਗੀ ਦੂਜੀ ਰੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਉਹੀ ਨੇ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਓਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੇਕਿੰਗ ਐਨ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਵਿਦ ਨੋਰਮਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਐਂਗਲ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਿਦ ਨੋਰਮਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੂਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਗੇਨ ਵਿਦ ਨੋਰਮਲ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨ ਵਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਅਜ਼ਿਊਮ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਊ ਵਨ ਮਿਊ ਟੂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਐਨ ਸੀ ਆਰ ਟੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਨ ਵਨ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਐਨ ਟੂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਓਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟ ਕਰੂਗੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਿਲ ਫੋਰਮ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਆਫ ਦਿਸ ਓਬਜੈਕਟ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੜ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੋਰਮਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਨਾ ਫੋਰਮ ਕਰੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਲਓ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਮਿਲ ਗਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ
एंड जिहड़ी इधरों रे आ रही है तो इधरों दोने मिल के इत्थे की बन जूगा साडा इमेज बन जूगा। हुण असीं थोड़ा जिहा इहदे नोटेशनस कर लईए। ऑब्जेक्ट का जिहड़ा प्लेसमेंट आ इहनूं असीं यू कह दिंदे आ फ्रॉम पोल। इमेज का डिस्टेंस असीं वी मान लैंदे आ फ्रॉम पोल। एंगल्स लैट कर लीए ऑब्जेक्ट का जिहड़ा एंगल बन रहा है इट इज़ अल्फा विद प्रिंसीपल एक्सिस। इमेज का जिहड़ा एंगल बन रहा लैट इट बी बीटा एंड जिहड़ा नॉर्मल साडा एंगल बना रहा लैट इट बी गामा। सो तीन असीं एंगल बना ले। यही उस एंगल्स की गल करता सी मैं भी जिहड़े एंगल ऑब्जेक्ट इमेज ते नॉर्मल बनाउणगे दीज एंगल्स आर सो समॉल दैट देयर टेंजेंट्स एंड साइंस कैन बी कंसिडर्ड एज द एंगल्स इटसेल्फ। सो एंगल्स आर समॉल। हाँ जी, हुण असी अगला स्टैप की करना। अगला स्टैप करने वास्ते असी स्नेल्स ला यूज़ करांगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स ला। स्नेल्स ला लाउण लग्गे जी इत्थे की सीगा स्नेल्स ला। जेकर तुसी स्नेल्स ला सही ला लिया दैन योर हाफ बैटल इज़ ओवर विद दिस आर्टिकल। स्नेल्स ला लाया साइन आई बटे साइन आर, इत्थे तक अखां मीच के लिख सकते हो साइन आई बटे साइन आर, पर इत्थे अखां मीच नहीं सकते। हुण आई देखो किहड़े मीडियम च पिया, रेयर च पिया, फस्ट मीडियम च पिया, क्लीयर। इहदा मतलब इत्थे लिखांगे एन टू वन, जिहड़े मीडियम च आई पिया वह पिछे, बिकॉज दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पैक्ट टू वन, क्लीयर। तो ये मैं थोनों दस्या सी भी इहनू असीं किवें लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज एन टू अपॉन एन वन, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पैक्ट टू मीडियम वन। जे तुसीं आ चीज़ सही लिख गए तो समझ लो अपनी अद्धी लड़ाई जीती गई, क्योंकि इत्थे ही गलती होनी है जिहड़ी होनी है। उस तों बाद भी कई स्टैप आउंदे आ, बट फस्ट पॉइंट ऑफ फोकस साडा हुण क्योंकि असीं एंगल्स समॉल मन्ने ने, एंगल ऑफ इंसीडेंस भी समॉल आ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इत्थे मैं पहला बनाउणा भुल गया सी, सो दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ध्यान रखियो एंगल समॉल ने, एंगल समॉल होने का मतलब की आ भी इन्हों का साइन थीटा साइन ऑफ द एंगल और टेंजेंट ऑफ द एंगल विल बी इक्वल टू एंगल इटसेल्फ। हुण क्योंकि एंगल समॉल ने देयरफोर आई ओवर आर इज इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन। मैं पहला स्टैप तो आह लै लिया क्योंकि एंगल समॉल आ, साइन आई नू आई लिख लिया, साइन आर नू आर लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एन वन आई इक्वल टू एन टू आर, सो दिस फॉर्म माई इक्वेशन नंबर वन, क्लीयर। हुण दूजी साडी जिहड़ी टास्क शुरू होने वाली है, स्टैप जिहड़ा याद रखना, असी हुण सिर्फ आई ते आर दीयां वैल्यूज़ फाइंड करके इत्थे पुट कर देनियां ने, नथिंग एल्स। उदू बाद साइन कन्वेंशन यूज़ करके वैल्यूज़ पुट करांगे, वी विल गैट अवर रिजल्ट। आई ते आर दीयां वैल्यूज़ किवें फाइंड करिए, इत्थे मैं कंस्ट्रक्शन करन लग्गिया एन तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करता जी नीचे, सपोज दिस पॉइंट वी एम। आपां मन्निया सी भी अपर्चर समॉल आ, मतलब करवेचर भी समॉल आ, दैन की होगा भी जेड़े हाँ पॉइंट पी आ साडा पोल ते एम दे विल लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, देयर फोर द डिस्टेंसिज विच आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द सरफेस विल कैन बी मेजर्ड फ्रॉम एम। जिहड़ियां कार्टीशियन साइन कन्वेंशनस आ वो जिहड़ी असीं पहलां कीतियां होईयां ने पिछले लैक्चर दे विच, वह उही आपां अपलाई करनियां ने भी जिहड़े सारे डिस्टेंस पोल तो मेजर करने आ, जिहड़े डिस्टेंस इंसीडेंट रे वाले पासे नूं होणगे वह पॉजिटिव, जिहड़े उल्ट पासे नूं होणगे वह नैगेटिव। लो जी, हुण असीं आई ते आर दीयां वैल्यूज़ कढ़न दे लई तुहानूं मैं पिछलियां क्लासां 'च लै जांदा। एक असीं छोटी जी कम तुसीं पढ़िया होया बेटे, भी जेकर साडे कोल कोई ट्रैंगल होवे, कोई भी ट्रैंगल, ये सपोज़ करो ए बी सी यदा नाम आ, तो इत्थे एंगल साडा ए आ, इत्थे बी आ, इत्थे सी आ, ये तीन एंगल ने, बट सी दे एक बाहरले पासे एंगल आ, इनू भी सी कहांगे, बट आह इंटीरियर आ एक्सटीरियर आ,
सो दिस इज़ एक्सटीरियर सी, तो जिहड़ा एक्सटीरियर एंगल सी हुंदा ये बराबर हुंदा एंगल ए प्लस एंगल बी दे इंटीरियर अपोजिट एंगल दे सम दे बराबर हुंदा। असीं उही आइडेंटिटी इत्थे यूज़ करके आई ते आर दीआं वैल्यूज़ फाइंड करनियां। हुण आई दी वैल्यू फाइंड करन लई की देखना, आई दी वैल्यू फाइंड करन लई असीं ओह दो लाइनां चूज़ करनियां ने जिन्हां दे विच एंगल बनिया होया है। किहड़ियां दो लाइनां 'च बनिया हा? इत्थे एंगल बनिया जी, एक रे एक लाइन साडी आह ओ एन, दूजी नॉर्मल, ये किधर गई? इत्थे तक साडी ये ट्रैंगल बन गई जिहड़ी असीं चूज़ करनी आ, किहड़ी? एन ओ सी। सो इत्थे लिखदा मैं इन ट्रैंगल एन ओ सी, किवें लभणी सही ट्रैंगल? आई एंगल जिहड़ियां दो लाइनां 'च बनता उन्हां नूं एक्सटेंड करके देखो कित्थे तक जांदियां, जिहड़ी ट्रैंगल बनती आ वह थोड़ी राइट ट्रैंगल आ। सुन लो उन्हों दुबारे देखो, आई इत्थे बनता सी, एक साइड साडी आह, दूजी साइड आह, यही साडी ट्रैंगल बन गई एन ओ सी। एन ओ सी दे विच असीं एंगल आई देखना भी कित्थे आ। सो मैं थोनों इत्थे ड्रा करके दिखाउंदा भी कि ट्रैंगल आ। सो इदां दा साडे कोल केस बन, इत्थे साडे कोल आई आ, दिस पॉइंट इज़ एन, हेयर इज़ ओ, हेयर इज़ सी। सो इत्थे साडे कोल हैगा जी गामा, इत्थे है साडे कोल अल्फा। आई अल्फा गामा एक्सटीरियर एंगल वाली आइडेंटिटी लाओ, आई किहदे बराबर आ रहा? गामा प्लस अल्फा। सो इहदा मतलब एंगल आई इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। क्लीयर? साडा आई निकलिया जी। इस तो अगे हुण असीं कढ़ना है आर। आर किवें कढ़ांगे? उही जिहड़ा तरीका दस्सिया, जिहड़ियां दो ट्रैंगल साइडां दे विच आर बनता वह लभ लो। इत्थे आर पिया, एक साइड साडी आह, दूजी साइड आह, जिहड़ी ट्रैंगल बनती उहदा नाम लिख लो एन सी आई। ए एन ओ सी सीगा, हुण दूजी ट्रैंगल किहड़ी बन गई? ट्रैंगल एन आई सी कह दो चाहे, क्योंकि इत्थे आपां विचाले ओ लिखिया सी ऑबजेक्ट वाला, इत्थे विचाले इमेज आ एन आई सी। एन आई सी दे विच एक्सटीरियर एंगल देखो किहड़ा? एन आई सी एक्सटीरियर एंगल किहड़ा जी? गामा। गामा इज द एक्सटीरियर एंगल, किहड़ी ट्रैंगल बनती आ? एन आई सी आह वाली ट्रैंगल। गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा, सो गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा। सो ये साड़िया दोनों चीज़ा निकल आई हैं दोनों ट्रैंगलों तो। ये साढ़े को आई तो पहले इधर पिया, इतने आर नू लैफ्ट साइड पर लै आवे, ये बन जूगा मेरे को गामा माइनस बीटा। क्लीयर? हुण क्योंकि असी एंगल छोटे मन्ने हुए ने, एंगल्स दे साइन जे टैन भी उस एंगल दे बराबर ही आ, इस करके मैं इत्थे अप्रोक्सीमेशन नू इत्थे अप्लाई करदा। इत्थे मैं लिख दिंदा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट इत्थे की सीगा गामा, टेंजेंट गामा, ठीक है। तो इत्थे कितना आजूगा जी? आर इक्वल टू टेंजेंट गामा माइनस टेंजेंट बीटा। सो अप्रोक्सीमेशन ला ली बिकॉज एंगल आर कंसिडर टू बी स्मॉल। हुण राइट एंगल ट्रैंगल एन एम सी, एन एम आई, एन एम ओ, तीन राइट एंगल ट्रैंगल बन गई साढ़े को, क्योंकि असी तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ। इन्हों तिना राइट एंगल ट्रैंगल के टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा, तो टेंजेंट गामा दी वैल्यूज़ उत्थे फिक्स कर देनिया ने। लो जी पहला असी टेंजेंट अल्फा देखिए, अल्फा इस ट्रैंगल च पिया एन एम ओ दे विच, टेंजेंट परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर इज़ एन एम, बेस इज एम ओ। सो आई इक्वल्स एन एम बटे एम ओ, ध्यान रखो जिते कोई मिसटेक हुई दस दौ नाल दी नाल। सो एन एम बटे एम ओ की राइट एंगल ट्रैंगल, जो आप हम टेंजेंट अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप देखेंगे भी अल्फा एंगल कि ट्रैंगल च बनता। देखो इतने पे अल्फा, राइट एंगल साढ़े को एन एम परपेंडिकुलर, सो एन एम ओ ट्रैंगल बन गई ये परपेंडिकुलर बटे बेस। जे असी टेंजेंट गामा लभागे एन एम बटे एम सी,
टेंजेंट बीटा एन एम बटे एम आई, सो हम टेंजेंट गामा एन एम बटे एम सी। हाँ जी हाँ हाँ तो सारे दी जिमें टेंजेंट गामा सी हूँ एन एम बटे एम सी लिख लिया हूँ अगे लिखना आप उधर टेंजेंट गामा तो इधर आएगा रिपीट हो गया आर इक्वल टू एन एम बटे एम सी माइनस टेंजेंट बीटा एन एम बटे एम आई। लो जी आता बच्चे दे इतने देखो ओके हूँ साढ़े को आई भी आ गई तो आर भी आ गई ये दोनों वैल्यूज असी फिक्स करनी है आई दे विच। सो की आता जी देखो एन वन आई बिकॉज वी हैव इतने मैं दस दौ एन वन आई आ एन टू आर सो एन वन आई की वैल्यू पुट कर लग्या जी मैं एन एम बटे एम ओ प्लस एन एम बटे एम सी इक्वल टू एन टू इंटू एन एम बटे एम सी माइनस एन एम बटे एम आई। तुहानू की लगता इस इक्वेशन नू देख के आपां नू की करना चाहिए दा? एक चीज़ कॉमन पई है दोनों पासे एन एम इतों भी एन एम बाहर कढ़ीए इधरों भी कढ़ीए दोनों पास कैंसल हो जाऊगा। सो एन वन मैं इतों चलो एक स्टैप लिख दिना होर एन एम कॉमन कढ़िया अंदर आ गया जी वन पॉन एम ओ प्लस वन पॉन एम सी इसले पासे आ गया एन टू इंटू एन एम अंदरले पासे वन पॉन एम सी माइनस वन पॉन एम आई। सो एन एम मेरा दोनों पास कैंसल हो गया सो आई एम लैफ्ट विद एन वन बटे एम ओ प्लस एन वन बटे एम सी इनू मैं एन वन अंदर गुणा करता इक्वल टू एन टू ओवर एम सी माइनस एन टू अपॉन एम आई। क्लीयर हुण क्योंकि असी मन्निया होया भी पी ते एम बिल्कुल एक दूजे नू ओवरलैप करते हैं इस करके मैं एम की जगह के उत्ते की लिख सकता पी। सो इतने लिखूंगा मैं इंग्लिश बिकॉज द अपर्चर इज स्मॉल देयर फोर एन एम कैन बी रिप्लेस्ड बाय पी। सो मैं इतने अपनी स्पेस सेव कर लैंना मैं इतों ही इतने मेरा पी ओ आ जाएगा इतने मेरी पी सी आ जाएगा तुम अगले स्टैप लिखना इतने अगेन पी सी इतने अगेन पी आई। हूँ इतने इतने भी पी सी है इतने पी सी है पी सी वाली चीज़ा मैं एक पास कर दिना दूजिया दूजे पास। लो जी एन वन बटे पी ओ आह जरा एन टू बटे पी आई मैं लैफ्ट साइड पर लिया होना प्लस एन टू बटे पी आई इक्वल टू एन टू बटे पी सी आइनू इधर लग गया माइनस एन वन बटे पी सी। ओके हुण अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशनस पी ओ पी आई पी सी तो पी सी यदि वैल्यू पुट करिए देखो पी ओ की चीज़ है पी ओ इज़ द डिस्टेंस ऑफ पोल एंड ऑबजैक्ट यू दसो पॉजिटिव आऊगा कि नैगेटिव नैगेटिव आऊगा पी ओ विल बी माइनस यू बिकॉज दिस डिस्टेंस इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू इंसीडेंट रे। सो यदा मतलब एन वन बटे माइनस यू प्लस एन टू बटे पी आई पी आई इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज दिस इज वी। सो क्योंकि यह राइट साइड के पास ही पॉजिटिव आएगा सो एन टू अपॉन वी अगे पी सी मैं दोनों चो कॉमन कढ़ दिना उपर रह गया मेरा एन टू माइनस एन वन तो पी सी की वैल्यू देखो कि आएगी की है रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव आ क्योंकि उधर नहीं आ सो पी सी की जगह पर मैं की लिख दिना आर। इस इक्वेशन नू जेकर मैं एन वन ते डिवाइड करदा ना भी करा तो मैं इत्थे मेरा रिजल्ट ओके आ बट जे मैं करदा तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ मटीरियल का मिल जूगा किवें एन वन ते डिवाइड कर दी दोनों पासे इत्थे वन रह गया जी उपर सो माइनस वन पॉन यू प्लस इत्थे की आऊगा एन टू बटे एन वन बटे वी इत्थे की आऊगा एन टू बटे एन वन माइनस वन बटे आर
एन टू बटे एन वन की है मेरा एन टू वन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर सो आई विल गैट माइनस वन बाई यू प्लस एन टू वन बटे वी इक्वल टू एन टू वन माइनस वन अपॉन आर सो दिस इज माई रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस ईजी क्लियर हुण दूसरा केस दे विच सपोज कर लो एदी जगह दे उत्ते साडे कोले कनवैक्स सरफेस दी जगह ते कनकेव हो सकती सी जां कनवैक्स दे केस ची इमेज साडा वर्चुअल बन सकदा सी ठीक है बट असी पॉइंट्स उही चूज कर लांगे पॉइंट उही लवांगे जिवें इत्थे एन लवांगे इत्थे पी एम सी ते आई तो आपां रखणा ही आ यू विल बी सरप्राइज्ड दैट द रिजल्ट विल बी सेम अगेन असी करके देखते हैं मैं सिर्फ डायग्राम चेंज करूँगा तो बाकी जिहड़ा कुछ भी आपां कीता लिखा ही होया बोर्ड ते इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू तो आपां कल्ला कल्ला स्टैप फॉलो करके देखांगे भई की साडा रिजल्ट की आ रहा क्लीयर ओके सो नाओ आई विल जस्ट चेंज दिस सरफेस टू कनकेव वन सो मैं ये जगह पर कनकेव सरफेस लाने लग्या जी पहला कनवैक्स वाले कर लिए वर्चुअल इमेज का सो जेकर मेरे को कनवैक्स सरफेस ही हो इमेज साडा बने वर्चुअल का सो इन मैं दोबारे बना लेट द सरफेस इज अगेन कनवैक्स तो इमेज फॉर्मड इज वर्चुअल समझ लो जी बाद चो अपने आप कर लियो तुसी सो बाहरले पासे मैं इत्थे मेरा पोल आ ते हुण ये उदों बनता जदों जिहड़ा ऑबजैक्ट आ वह थोड़ा जिहा नेड़े पिया होवे पोल दे सो ऑबजैक्ट लाइज नीयर पोल की होएगा मैं पहले इत्थे सी बनाउणा सी तो कि मैं थोड़ा दस्या सी वी पॉइंट कित्थे चूज़ करना अद्ध तो थोड़ा जिहा उपर इत्थे क सो पहला सब तो पहला की बनाउणा जी नॉर्मल दिस पॉइंट इज अवर एन इतों एक रे ऑफ लाइट जाती है उपर नू एक चली गई इधर नू दो बनाउणियां ने ध्यान रखियो कई बार बच्चे आ नीचे वाला एरो लाउंदे नहीं सिर्फ एरो लाउण दे नाल ही नंबर कट सकता बिकॉज वो एको रे शो एक रे सिंगल कदे भी कोई इमेज नहीं बना सकती सो इस करके दो चाहिए हैं हाँ जी एंगल ऑफ इंसीडेंस बन गया जी इत्थे आ वाला साडा एंगल ऑफ इंसीडेंस याद रखियो हुण रे ऑफ लाइट बेंड तो कर गई पर वो प्रिंसीपल एक्सिस वालू आके इंटरसैक्ट नहीं करी इहदा मतलब यह होया बई वी हैव टू रीट्रेस बैक द रिफ्रैक्टड रे सो आ प्रिंसीपल एक्सिस सीगा आर मेरा कित्थे बनिया इत्थे ये ध्यान रखियो असल तां रे इधर नूं गई है ना पर अपीयर कित्थों आउंदी आ रही इत्थों इहदा मतलब इत्थे की बनूगा वर्चुअल इमेज किहड़ा इमेज बनूगा वर्चुअल लो जी ऑबजैक्ट ना असी एंगल रखिया सी अल्फा इमेज ना असी एंगल रखना है बीटा ऑलवेज ये सेम ही रखांगे एंड गामा विद सी इत्थों मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया एम लो स्नेल्स ला लो एंगल ऑफ इंसीडेंस बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अखा मीच के सेम आऊगा बिकॉज रिफ्रैक्शन सैकेंड मीडियम च ही हो रही है इस करके एन टू वन एन टू ओवर आह चीज़ साड़ी सेम आ गई उदू बाद असी आई तैयार दी वैल्यूज़ फाइंड करनिया ने किवें कीतियां सी देखांगे किहड़ी ट्रायंगल दे विच आई बनती है किहड़ियां दो लाइनां च आई बनती है इत्थे ध्यान रखना पैना एक नॉर्मल वाली रे आ नॉर्मल वाली साइड दूजी आ वाली लो जी एन ओ सी उही है ट्रायंगल सेम एन ओ सी दे विच एक्सटीरियर एंगल देखो किहड़ा बनता आई आई बराबर अल्फा प्लस गामा सेम आ जे आ कर आ सेम आ तो आ भी सेम होगी टेंजेंट ही लाया क्योंकि एंगल छोटे आ भी सेम होगी
ये चलो देख लें हजे इतने तक सेम हो गई। इस तरह आर देखिए, आर देखो जी एक साड़ी रे हैगी आह, यू असी बैक रीट्रेस किया हो इतने पहुँच गए, यदा मतलब ट्रैंगल कि चूज़ करा एन आई इधरले पासे आ गई सी ते एन आई सी सेम है जी। सो साडा आ भी सेम हो गया नहीं, नहीं होया देखो ध्यान शाबाश। आर की बराबर आ एक्सटीरियर एंगल आ ते आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा। चलो देखो हुण इत्थे आ साडी चेंज आ गई, आर इक्वल टू किन्ना आ गया बीटा प्लस गामा। इहदा मतलब इत्थे सानू चेंज करन दी लोड़ नहीं, इत्थे प्लस लिखूंगा मैं गामा प्लस बीटा, इत्थे भी प्लस आऊगा। थल्लेला स्टैप देखते हैं, जो असीं वैल्यूज पुट कीतियां ने दोनों का, टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा एन एम बटे एम ओ ओके जी, टेंजेंट गामा एन एम बटे एम सी सही है जी ओके। उधरले पासे हुण रह गया बीटा एन एम बटे एम आई सही है जी, सो इत्थे असीं प्लस पा दईए। लो जी हुण उस तों बाद असीं इधर आ गए एन वन आई, आई साडी कोई चेंज नहीं इसलिए आ सेम आ गया, इत्थे साडा की आ गया प्लस, इत्थे प्लस, इत्थे प्लस, इत्थे ध्यान नाल देख लो एन वन बटे पीओ प्लस एन टू बटे इत्थे की आ गया क्योंकि इन्हें इधरों आना, इत्थे की आ गया माइनस। हुण एन टू बटे पी सी इधर ही सीगा, एन वन बटे पी सी उधर गया, इत्थे प्लस सीगा इधर आ गया माइनस है ठीक है, ठीक है जी। लो जी हुण असीं साइन कन्वेंशन देखिए, एन वन बटे पी ओ, पी ओ साडा डिस्टेंस अपोजिट है इसलिए माइनस यू, सो इत्थे साडा यू आ, वी साडा इधर आ हुण, एंड आर साडा राइट साइड ओके आ माइनस यू आ गया ओके। मुकल समझ लगती है हाँ जी, पी आई लो जी पी आई लैफ्ट साइड वाले पासे नूं आ माइनस वी, सो इत्थे कितना होगा माइनस वी, पर आ भी साडा माइनस आ ठीक है क्योंकि इत्थे माइनस आ माइनस, पी आई साडा माइनस वी, पी सी साडा ये सही आ क्योंकि आर उधरले पासे ही आ, आ साडा माइनस माइनस प्लस हो गया बाकी सही है रिजल्ट सही है सेम। मैं थोनू हुण तरीका इहो जिहा दसूंगा भी जिहदे नाल तुसीं सिर्फ थोनू पता होना चाहिए भी साडा ऑबजैक्ट कित्थे पिया, बस यू कैन राइट डायरैक्टली द फाइनल रिजल्ट ठीक है। सिर्फ तरीका दसना भी पता की होना चाहिए कल्ला ऑबजैक्ट कित्थे पिया, बस मूँह जवानी तुसीं रिजल्ट लिख दोगे एक सेकंड च। लो जी हुण आ गल क्लीयर हो गई, साडा वर्चुअल इमेज भी हो गया रीयल इमेज भी हो गया, ऑबजैक्ट साडा कित्थे पिया सी रेयरर मीडियम च ठीक है, तो जे डेंसर च होवे वह भी थोनू एक अद्धा केस बाद च दस दिना, बट पहला मैथड सुन लो हुण क्योंकि थोनू रिजल्ट पता लग गया। सो मैथड की है जी, हुण आही दो रिजल्ट असीं मूँह जवानी लिखण लगे, पहले दो केस जिहड़े कीते आ, फस्ट केस दे विच ऑबजैक्ट कित्थे पिया जी रेयरर च, जे ऑबजैक्ट रेयरर मीडियम च पिया तां इह ओबियस आ भी रे ऑफ लाइट विल एंटर टू डेंसर मीडियम, चाहे इमेज बनाउंदी आ रीयल चाहे इमेज बनाउंदी आ वर्चुअल, एक बारी जिहड़ी रे आ उह कित्थे जाऊगी डेंसर मीडियम जाएगी चाहे वह रीयल बने जां ना बने। असीं की करना जिहड़े मीडियम च साडा ऑबजैक्ट पिया उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स बटे माइनस यू, बटे माइनस यू प्लस जेडे मीडियम च रिफ्रैक्टड रे गई आ, पहला मैं कहा सी ऑबजैक्ट कित्थे पिया, हुण मैं कहा जिधर रिफ्रैक्टड रे गई आ, इमेज नहीं कहा ध्यान रखियो, जिधर रिफ्रैक्टड रे डेंसर ची जानी आ उहदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स बटे वी इक्वल टू
ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਰੇਅਰ ਰਾਜੀ 'ਚ ਓਬਜੈਕਟ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ, ਰੇਅਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡੈਂਸਰ ਮਾਈਨਸ ਰੇਅਰ, ਐਨ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਐਨ ਵਨ, ਡੈਂਸਰ ਮਾਈਨਸ ਰੇਅਰ ਬਟੇ ਆਰ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਓਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਓਬਜੈਕਟ ਡੈਂਸਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਓਬਜੈਕਟ ਰੇਅਰ 'ਚ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਆਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਵਨ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਓਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ, ਓਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਡੈਂਸਰ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਓਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਐਨ ਟੂ ਬਟੇ ਮਾਈਨਸ ਯੂ। ਜੇ ਡੈਂਸਰ 'ਚ ਓਬਜੈਕਟ ਪਿਆ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ? ਰੇਅਰ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੇਅਰ 'ਚ ਜਾਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਰੀਅਲ ਬਣਾਵੇ ਚਾਹੇ ਵਰਚੁਅਲ ਬਣਾਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਪਲੱਸ ਐਨ ਵਨ ਬਟੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਂਸਰ 'ਚ ਪਿਆ ਓਬਜੈਕਟ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਫਰੋਮ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਰੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਡੈਂਸਰ ਬਟੇ ਆਰ, ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ।